आप लोग जितना लोग बैठल बनी आप लोगों से यह निवेदन बा कि 20-25 मिनट के शांति के योगदान देकर के आप लोग बैठी माता जी अपने पूरे परिवार के सजा करके सवार करके आज दुनिया से गई बनी। और हमारी बार बार प्रभु से विनती व प्रार्थना बा कि माता जी के आत्मा के मनी शांति दें। एक छोटा सा प्रसंग, मौत क्या होती है, सार लाइन भूमिका से कहना है मास्टर। मौत महबूब है ये साथ ले जाएगी, जो भी आया यहाँ उसका निश्चित है जाना। शीश जगदीश उनको झुकाना पड़ा, मौत के आगे चलता न कोई बहाना। दिन भरेगा तो हर हाल में रात होगी, कटु सत्य नियम है प्रकृति का पुराना। हिल रोजी रोटी बहाने मौत सियारा हम कहता है सारा जमाना। देखे मुंशी यादव हलवाई जी जगर बड़ा ही सुन
बानी की कैसे मास्टर काशी नरेश विक्रम से फिर तुम्हें एक चोर चला चोरी करने के हाथ में किले के अंदर घुस कर स्थान लिया है काशी नरेश विक्रम से फिर तुम्हें एक चोर चला चोरी करने के घर तुम्हें किले के अंदर घुस कर स्थान लिया है सारा धन चुरा करके इस राज्य को छोड़ करके चला जाऊंगा। शाम का वक्त भइल, करीब शाम के 4-5 बजल, किसी भी तरह से उचोर राजा साहब के किला में प्रवेश केले हो। जब किला में प्रवेश केले जा करके देखा था कि 7-8 बजे जा करके राजा साहब भोजन करके और अपना कमरा में जा करके सुतल हुन, अपने मन में विचार केले बा कि चल करके सारा धन चुरा करके इस राज्य को छोड़ करके भग जाऊंगा। तब तक ठीक पीछे से भोजन करके रानी साहिबा भी ये देखिए मणिकपुर की धरती से परम आदरणीय आप पप्पू यादव जी, आपके ओर से 100 रुपया से सम्मान, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सभी लोगों की प्रणाम बा। गौर करिहन रानी साहिबा भी भोजन करके जब वहीं पीछे से सुते बदे चलिन, तब तक चोर के नजर जब रानी साहिबा के ऊपर पड़ल, चोर राजा साहब के कमरा में घुस करके और पर्दे की आड़ लेकर के बाबू छिप जाता है। और जैसे रानी साहिबा राजा साहब के कमरा में प्रवेश कैलिन, उनकरा साथ में एक छोटा सा मेढक भी गइल बा। रानी साहिबा और मेढक के देख करके एक थाली लेकर के और थाली से मेढक के ढक देलिन। जब थाली से मेढक के ढकले बड़ी, तब तक देखे ठीक चोर पर्दे की आड़ में छिप करके वो पूरे सीन के देखत बा कि रानी साहिबा वो थाली के अंदर एगो मेढकी के ढक करके रखले बड़ी। जब ही राजा साहब रानी सुत गईलन, चोर मने मने विचार करता कि पता नहीं कुल कबले सुती हन, आई नहन के कबले तेज नींद आई कि हम पूरा धन चुरा करके यहाँ से भग जाई। तब तक रात के जब ही 11-12 बजल राजा साहब के कान में एक आवाज गई, आवाज किसन मास्टर गीत लगल कैसन होला अचरज के बतिया।
के ही बातिया हो सुनाए रनिया हो स्वागत करते हैं। मेढक के हम थाली से ढक करके रखले बनी लगता कि उहे मेढक ठक ठक के आवाज सुनावता। ए आवाज के सुन करके राजा साहब तुरंत अपना बेड से उठ करके बैठलन। आ जब ही वो थाली के हटावे बदे गइलन, हां जैसे ही उस थाली को हटाना चाहते हैं वो थाली के हटौते ही वो थाली के अंदर से मेढकी ना बल्कि बहुत ही विषैला सर्प निकलल और जा करके फुफकार मार करके राजा साहब को सर्प डस लेता है। और जब ही डस करके भागना चाहता है रानी साहिबा गोद में उठा के कलिन की राजा साहब ही आपके का हो गई। ये बात के सुन करके राजा साहब कलन की रानी हमरा के जान से मारे बदे ये थाली के अंदर तू मेढकी ना बल्कि सर्प के रखले रलू ना। आज इस बात को सुन करके राजा साहब कंफ्यूजन में पड़ करके रानी साहिबा से कलन की रानी साहिबा हमके जान से मारे बदे वो थाली के अंदर तू मेढकी के ढक के ना बल्कि सर्प के ढक करके रख ले रलू ना। इस बात को सुन करके रानी साहिबा रो रो करके कलन की ना राजा साहब ये बात सत्य नहीं हो, ये बात सत्य नहीं हो, इसलिए ओ थाली के अंदर हम सर्प ना बल्कि मेढकी के ढक करके रख ले रहलिन। आज कंफ्यूजन में पड़ करके बाबू देखे राजा साहब इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। कंफ्यूजन में पड़ करके रानी साहिबा
आज वो लाश पर गिर करके रो रो करके कलिन के बारे राजा साहब ये हमरे साथे कितना बढ़िया धोखा हो गई, लेकिन ये पूरे सीन के पर्दे की आड़ में छिप करके वो चोर देखत रहल नर करते हैं। सब ये लोग उनके प्रणाम बा काम करी हन। ए पूरे सीन के चोर पर्दे की आड़ में देखत रहल, जैसे राजा साहब के सर पड़स करके भागना चाहता है, ठीक पीछे पीछे चोर भी सर्प के पीछा करते करते कुछ दूरी पर पहुंचल। जा करके देखलस कि बहुत भयंकर जंगल बा, वही जंगल में उस सर्प जा करके खूबसूरत नारी के रूप धारण कैले हो। सोचे लगल कि रे लगता कि दांत में कुछ काला जरूर हो, और चल करके हमरा के पता लगावे के चाहिए कि मेढकी से सर्प और सर्प से इस सुंदर नारी कैसे बन गई। चोर पहुंचा और जब ही जा करके औरत के कलाई के चुपके से पकड़ ले हो, ऐसा लगे कि जैसे ओकरा के लगवा मार दले उ जमीन से कबो उठबे न करी। उस दुल्हन उ नारी इतना खूबसूरत रहल लेकिन बेचारा सोचे लगल कि कहीं खूबसूरती के चक्कर में हम ज्यादा पड़ा तो देखा तनी जौन पता लगाओ बदल बनी वो पूरा पानी पानी हो जाई। लेकिन चोर सवाल करता है, मास्टर गीत बदल गई। हम जितना लीला कैले बाड़ू राजा साहब के कमरा में पूरा लीला के हम देखले बानी,
राजा साहब के कमरा में मेढकी बंद करके गई लू। जब राजा साहब वो थाली के हटाए बदलन तो सर्प बन करके राजा साहब के रस लहलू। राजा साहब मर गेलन और ये जंगल में आकर के खूबसूरत नारी कैसे बन गेलू? आखिर ये सब कैसे भइल हमरा के साफ साफ बतावे के पड़ी, नहीं तो हम तोहरा कलाई के छोड़म नहीं। इतनी बतिया सुन करके औरत कहे लगल कि जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मोती चंदापुर के धरती से और मटरू यादव जी आपके ओर से 21 रुपया से सम्मान तहे दिल से स्वागत करते हैं सभी लोग उनके प्रणाम बा। आइए आइए आइए, गौर करी हन आखिर में आज इस बात को सुन करके दुल्हन कहे लगल कि जानना चाहते हो कि मैं हूँ कौन? मैं कौन हूँ भाई का मास्टर तेरी कलाई लगल चाहते हो ना तो मैं मेढकी हूँ ना तो सर्प हूँ और ना तो मैं औरत हूँ, मैं हूँ कौन? कहे लगल मास्टर गीत के संकेत बा।